अकोला जिले में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सभी कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए प्रशासन को सख्त हिदायतें दी हैं। साथ ही उन्होंने आगामी समय में विकास कार्यों की संभावनाओं को लेकर पूरा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। नियोजन भवन में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विभागों में विकास प्रक्रिया को दिशा देने के लिए आगामी समय में अपेक्षित बदलाव करने होंगे। मंत्री राधाकृष्ण पाटिल ने कहा कि अकोट तहसील समेत अन्य तहसीलों की खस्ताहाल कक्षाओं को बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक था। इस मौके पर राजस्व मंत्री द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभिन्न विभागों का जायजा लिया गया। अपने देशा के आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वनेता आदरणीय मोदी साहेबांचा शिर्डीचा दौरा आता 26 तारखेला प्रस्तावित आहे आणि 3-4 मोठे कार्यक्रम आहेत। एक तर साईबाबा संस्थांनी सुरू करण्यात आलेल्या बांधण्यात आलेल्या शैक्षणिक संकुल असेल, दर्शन रांग कॉम्प्लेक्स आहे त्याचं लोकार्पण आहे, शिर्डी विमानतळाचं विस्तारीकरणाचं नवीन विस्तारीकरण प्रकल्पाचं सुद्धा भूमिपूजन आहे। गेली 25-30 वर्ष जो निर्वंड प्रकल्प साधारण 60,000 हेक्टरपर्यंत पाणी त्याचं आता दुष्काळ भागाला मिळणार आहे तो आता परिणतीला गेलेला आहे। तर साधारण 5,000 कोटी रुपये त्याच्यावर खर्च झाले आहेत, त्याचं लोकार्पण आपण आदरणीय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते ठेवलं आहे। आणि त्याचबरोबर ज्या ज्या केंद्र सरकारच्या योजना आहेत त्या सगळ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांनासुद्धा प्रातिनिधिक स्वरूपात आदरणीय प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनासुद्धा आपण जे काही मंजुरीपत्र असेल किंवा वितरण असेल ते आपण करणार आहोत।